ट्रेडिशनल डे का दिन भी कितना अच्छा गुजरा हमारा। सभी इवेंट्स, गेम्स, फन इवेंट्स, हम इतने सारे बिजी हो गए उसमें, हम इतने सारे खुश हो गए उसमें कि हमारी खुशी का और हमारे वक्त का पता ही नहीं चला हमें। हम यही सब सोच रहे थे कि पूरा दिन कैंपस में रहने के बाद हमारा असली मज़ा हमारे पार्टी में होगा। लेकिन नफीसा मैम ने वो इवेंट इतनी अच्छी तरीके से होस्ट किया और इतना मज़ा आया उस इवेंट में कि कैंपस में ही पूरा मज़ा आया हमारे इस पार्टी का। और फिर क्या था, कैंपस के बाद हमारी जो पार्टी थी और जो अलग वक्त हमने बिताया एक साथ, उसका मज़ा ही कुछ और था। सच में हम एक बहुत अच्छा वक्त मिस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, अपने फाइट्स, अपने राइवलरीज और इन बहुत सारी चीज़ों में उलझ कर हमने एक साथ कभी भी अपना वक्त गुजारा नहीं। तो इसलिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था हम सब के लिए। वहाँ हर कोई तुम तीनों के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और पार्टी के बाद तुम लोगों से घुल मिल जाने के बाद अब हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। और सच में ये सब बातें सुनकर मेरा तो मन आनंद से उछल जाता है कि इतने अच्छे लोग भी हमारे साथ रहकर भी हम उन्हें पहचान ना पाए। और यही चीज़ सबके लिए, सब यही चीज़ सोच रहे थे इस बार कि अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है अवधूत? हाँ, हम तीनों भी यही सोच रहे थे प्रीतम। एक बहुत ही अच्छा वक्त था वो, एक दूसरे के साथ इतना नज़दीक ना रहकर भी हम एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। अगर कुछ वक्त हम एक साथ बिता लें तो एक दूसरे को जानकर हम अपनी आपसी राइवलरीज को थोड़ा देर दूर रखकर एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। ये बात हम सब ने जानी और मानी भी। ईश्वर और शाहिद जैसे लोगों के साथ मेरी अब तक कभी नहीं बनी, लेकिन यही बात हमारी 8 ओवर्स कप के प्रैक्टिस सेशन में भी उछली थी। मिश्रा सर ने इस बार हम सबको एक ही टीम में अलग अलग खिलवाया था और तब शाहिद जैसे प्लेयर के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा और उस वक्त में मुझे शाहिद आखिर क्या है ये बात पता चली। अब तक तो मैं दूर दूर से शाहिद को सिर्फ दूर से ही पहचानता था और एक राइवलरी चलने के कारण हम एक दूसरे को सिर्फ आईने में ही देखा करते थे। लेकिन इस बार एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद एक अच्छे आदमी के तौर पर मैं ईश्वर को और शाहिद को कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में जान पाया और हमारा ये रैपो और हमारी ये केमिस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, ये शायद हम में से हर कोई चाहता होगा। गुड प्रीतम दैट यू ऑल इन्वाइटेड अस फॉर दिस वंडरफुल पार्टी। वी हैड अ वंडरफुल टाइम, फैंटेस्टिक इवेंट इट वॉज, सच अ ग्रेट टाइम टू लिव विथ। और तुम्हारा क्या कहना है अवधूत? इतना मज़ा तो तुमने कर लिया, और मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम प्रीतम, तुमने हमें पहले से ही इसमें इन्वाइट करके एक बहुत अच्छा काम किया था। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारा साथ पाकर तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। एक तुम ही हो पूरे कैंपस में जो मेरे लिए इतनी केयर करती रहती हो। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल पाता जब इस प्रैक्टिस सेशन में मेरी इतनी सारी पिटाई हो चुकी थी सभी बैट्समैन की तरफ से, लेकिन एक तुम ही थी जिसने मेरी बॉलिंग को बैक किया और मेरे बुरे वक्त में मुझे एक अच्छा हौसला दिया। सभी उस वक्त मेरी आलोचना कर रहे थे, बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा कह रहे थे, लेकिन उस वक्त शाहिद ने मुझे बहुत अच्छा सहारा दिया। और दूसरी जगह तुमने हमेशा मेरे अच्छे और बुरे दौर में मुझे साथ देने की कोशिश की है प्रीतम, और ये बात मैं हमेशा ही नोटिस करते आया हूँ। शायद पूरी दुनिया, पूरा कैंपस मेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोलते रहता है, लेकिन तुमने हमेशा ही मेरा ही साथ दिया है, मेरे विचारों को मुझे समझने की कोशिश की है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी तो कुछ विचार है। अगर मैं सबसे हटकर कुछ अलग सोच रखता हूँ तो मेरी इस सोच को समझना भी
औरों को कहीं ना कहीं करना ही पड़ता होगा, लेकिन वो करते नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। भले मेरे विचार क्राउड से हटकर, बाकी औरों से हटकर कुछ और दिशा में हो, लेकिन तुमने हमेशा मेरी सोच को मद्देनजर रखते हुए उसे एक सही दिशा में सोचकर मुझे हमेशा सपोर्ट किया। बस यही चीज़ को जानकर मैं उस पार्टी में तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिता रहा था और बहुत टाइम एंजॉय किया वहाँ। सच में तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, सच में प्रीतम, सच में। ओ, हमारा ये अवधूत एटोवर्स का, ACCS का स्टार लेग स्पिनर अब एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे जैसे लड़की के साथ इतना खुश भी हो सकता है। सच में ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई अवधूत। तुम जैसा इंसान भी मुझे कहीं ना कहीं इतना रिकग्नाइज कर सकता है। वाओ, आई एम रिकग्नाइज बाय द स्टार लेग स्पिनर ऑफ एटोवर्स कप ACCS ब्लास्टर्स टीम। सच में इतना लेजेंडरी बॉलर मुझे इतना रिकग्नाइज कर सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ओहो प्रीतम, कितना खींचोगी तुम मेरी, रहने भी दो ना। कभी कभी तुम मेरे मन की बात जानने की कोशिश करती हो, कभी कभी ये खिंचाई। सच में तुम्हें समझना भी कभी कभी आसान हो जाता है, कभी कभी बहुत ही मुश्किल। लेकिन हाँ, एक बात तो कायम है, कुछ भी हो मेरे साथ हमेशा ही खड़ी रहती हो, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ अवधूत, सही कह रहे हो तुम। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद आता है। तुम्हारी सोच भले ही कुछ हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ तुम जो भी करते हो पूरे दिलो दिमाग से करते हो। तुम्हारा कोई हाफ एफर्ट नहीं रहता। तुम्हारी जो भी सोच हो तुम उसके ऊपर कायम रहते हो, और यही चीज़ मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर चाहे तुम्हारी ये सोच किसी क्राउड से, किसी और ग्रुप से भले ही कुछ हटके क्यों ना हो, लेकिन तुम उस सोच पर कायम रहते हो और तुम्हारे नज़रिया तुम अपने विचारों से फॉर्म करते हो, और एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ तो लोग कई बार समूह के साथ आगे जाना ही पसंद करते हैं, जिसमें वो अपनी असल ज़िंदगी, अपने असली आइडेंटिटी को कब का खो देते हैं। लेकिन समूह या फिर क्राउड से हट के सोचना और उन विचारों को अपने हिसाब से बैक करके अपने डिसीजंस फाइनल करना, सच में एक बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली क्वालिटी मैंने तुम में देखी है अवधूत। सच में इसमें बहुत सारी हिम्मत चाहिए जो तुम में है, और यही तुम्हारी एक बात मुझे बहुत पसंद आती है।
और बताओ प्रीतम, अभी अय्यर सर के एग्जीबिशन वाले मामले में तुम आ रहे हो कि नहीं? ला मेरिडियन गैलरी में एग्जीबिशन है हमारे घर के पास ही, क्या तुम आओगी? हाँ हाँ ज़रूर आएंगे, इतना अच्छा एग्जीबिशन जो है, और अय्यर सर खुद से ही अपने मेंबरशिप को सामने रख कर हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, तो इतने अच्छे इवेंट में जाना तो बनता ही है। तुम तो आ रहे हो कि नहीं इस इवेंट में अवधूत? हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, इतना बड़ा इवेंट मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। सच में अय्यर सर ने भी हम सब के लिए कितनी बड़ी बात सोची है, एकेडमिक से हटकर हमें कुछ नया देखने के लिए वो इतना हमें इंस्पायर कर रहे हैं, सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना इंटरनेशनल लेवल का ये जो साइंस एग्जीबिशन है उसका एक पार्ट होना सच में एक बहुत बड़ी बात होगी हम सब के लिए, इसलिए मैं तो इस इवेंट में ज़रूर जाना चाहूँगा। और उसके बाद क्या? उस इवेंट के बाद मतलब तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहती हो? नहीं ऐसे तो नहीं कहा मैंने, मैं तो बस पूछ रही थी कि उस इवेंट के बाद तुम कैसा टाइम स्पेंड करोगे। बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही शायद घर जाऊंगा या फिर कहीं और। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है उस दिन? वैसे कुछ खास नहीं है उदूत, लेकिन अगर हम चाहें तो एग्जीबिशन के वक्त के बाद हम एक साथ कहीं मिल सकते हैं, एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, क्यों? तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे साथ वक्त गुजारना हो तो हम ज़रूर गुजार सकते हैं, क्यों नहीं। हम ऐसा करेंगे, एग्जीबिशन में हम एक साथ ही रहेंगे, और एक वक्त के बाद पूरा एग्जीबिशन अगर ख़त्म हो तो वहीं से निकलकर कहीं किसी और जगह पर जाकर हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है अवधूत, सच में। वैसे वो एग्जीबिशन भी इतना इनोवेटिव है कि उसकी बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, क्यों? सही है ना? क्यों प्रीतम, बस एग्जीबिशन की बातें हम डिस्कस कर सकते हैं ऐसा तुम्हें लग रहा है या कुछ और? अरे ऐसा नहीं अवधूत, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं, अगर जेन्युइन सब्जेक्ट से बातें आगे बढ़ सकती हैं तो क्यों नहीं। वैसे उस एग्जीबिशन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सच में, ऐसा इवेंट अपने शहर में होना बहुत कम बार होता है, उसका एक पार्ट होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवेंट। सच में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होगा उसमें, और उसके बाद शायद हम किसी और जगह पर जाकर अपना एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, क्यों? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? हाँ हाँ क्यों नहीं प्रीतम, एग्जीबिशन के बाद हम कहीं और जगह पर चलकर अपना एक अच्छा समय बिता सकते हैं। तुम्हारा घर भी तो ला मेरिडियन गैलरी से पास में ही है, तो वहीं किसी बीच की जगह पर हम ठहर कर अपना एक अच्छा वक्त गुजार लेंगे, ताकि लेट भी हुए तो भी हम एक वॉक करके तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। फिर क्या, उस दिन का अपना वो सफ़र उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा और उन यादों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्यों? सही कहा ना प्रीतम? हाँ उदूत बिल्कुल सही कहा, अब तो मेरा इंतज़ार रहेगा उस दिन के लिए जब ला मेरिडियन गैलरी के उस एग्जीबिशन के बाद हम एक अपना खुद का अलग का टाइम स्पेंड कर सके और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्यों? सही कहा ना अवधूत? और प्रीतम क्या मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ अवधूत पूछो, ज़रूर पूछो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है प्रीतम, क्या मेरा साथ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? वेल ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं तुम पर थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर ही सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया शायद तुम्हें भले ही गलत क्यों ना समझे, लेकिन तुम्हें जो अच्छाइयाँ हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दुनिया का तो पता नहीं,
लेकिन मेरे इस विश्वास को तुम कभी नहीं तोड़ोगे, ये मुझे पता है उतु। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो या फिर कोई भी बुरा समय हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करना कभी नहीं छोड़ सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेरी अंदर की फीलिंग है उतु, और इसे मैं चाह कर भी बदल नहीं सकती। लेकिन सडनली तुमने ये सब क्यों पूछ लिया? क्या तुम्हें कुछ और बात जाननी थी? अरे नहीं प्रीतम, मैं तो बस तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता था, बस और कुछ नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि पूरी दुनिया या फिर पूरा ये हमारा कैंपस मेरे खिलाफ कभी कभी साजिश कर रहा है, ऐसा मुझे लगता रहता है हमेशा। इसलिए कोई मुझे अगर सपोर्ट कर रहा है, मेरे विचारों को सपोर्ट कर रहा है, तो आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये जानना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर लाइफ में इनसिक्योर हूँ, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मेरा जो भी एटीट्यूड है, मेरे जो भी विचार है, वो तो सबके लिए इतने अच्छे ज़रूरी नहीं है। मेरे विचारों से शायद बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, इसलिए वो मुझसे शायद इतना दूर दूर रहते हैं, और इन दूरियों के कारण ही मेरी वो इनसिक्योरिटीज़ और बढ़ने लगी हैं। इसलिए मेरी सोच का तरीका एकदम से बदल चुका है। मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ऐसी सोच की वजह से मुझे लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अब तक। मैं इसमें बदलना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या पता, मैं इसमें चाहकर भी बदल नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। मैं खुद चाहता हूँ कि इन इनसिक्योरिटीज़ को छोड़कर, उन्हें तोड़कर मैं इनसे बाहर निकल सकूं, और एक नई दुनिया के साथ, एक नई सोच के साथ सबको इस अवधूत को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। लेकिन मुझे पता है कि शैकल्स ब्रेक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरे लिए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा चैलेंज मैं कभी पूरा कर सकूंगा। इसलिए प्रीतम, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आखिर कौन है जो मुझ पर इतना ट्रस्ट कभी कर सकता है लाइफ में। मैंने तुम्हें हमेशा देखा, मेरा कितना भी बुरा वक्त चले, हर कोई आकर मुझे टोके, लेकिन तुम हमेशा मेरे ही साइड से, मेरे ही एहसासों को संभाल कर, मेरे ही बारे में तुम अच्छा सोचती हो। मैंने किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट किया है, उस समय मेरा क्या माइंडसेट हो सकता है, ये सब तुम जानती हो। शायद तुम ही एक हो जो मुझे मेरी इतनी गहराइयों तक मुझे समझ सकती हो। पता नहीं क्यों ये अंडरस्टैंडिंग मुझे तुम्हारे और करीब खींचने लगती है प्रीतम। और हाँ, ये बातें बहुत सच हैं, इस बात में मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। हाँ उदूत, पता है मुझे तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे, ये मुझे भी पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना ट्रस्ट करती हूँ लाइफ में। और हाँ, मुझे तुम्हारे इन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी पता है, और इन्हीं चीज़ों के कारण तुम लाइफ में अपने एटीट्यूड को इतना बदल नहीं पाए आज तक, ये भी मैं जानती हूँ। मुझे पता है तुम ये सब बदलना चाहते हो, लेकिन कोई चीज़ है जो तुम्हें पीछे खींचती रहती है, शायद तुम्हारा एटीट्यूड या फिर तुम्हारा सोचने का अंदाज़। एक बार वो क्लियर हो गया ना उदूत, तो तुम भी देखना, तुम भी एक खरे सोने की तरह सबके सामने इतना चमकने लगोगे। फिलहाल इस सोने पर खदान की मिट्टी की धूल पड़ी हुई है, बस उसे साफ करने की देरी है, और तुम तो एक चैम्पियन हो, एक असल ज़िंदगी के चैम्पियन। तुम्हें सिर्फ अपने आप को तराशना है और अपने आप को पहचान कर इस दुनिया के सामने खुद को खड़ा करना है। फिर देखना, इस कैंपस के बाकी सब चैंपियंस भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं, और तुम्हारा भी एक अपना दबदबा होगा, और मुझे विश्वास है तुम ऐसे ही करोगे। अब हमारी पढ़ाई भी ख़त्म होने को है, बस एक साल बचा है अगले साल का, उसके बाद हम असल ज़िंदगी को फेस करेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप की इन इनसिक्योरिटीज से बाहर आकर अपने पर्सनालिटी को एक अलग सा निखार दे सको, और इन जंजीरों को पीछे छोड़कर अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया के सामने पेश कर सको। फिर देखो,
कॉन्फिडेंस तो तुम्हें पहले से ही है, लेकिन इस अलग अंदाज से तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस तुम्हें कहाँ के कहाँ लेकर जाएगा ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए अद्भुत। मुझे पता है इन बातों के बारे में तुम्हारे बारे में आज तक किसी ने ऐसा डीपली नहीं सोचा होगा, लेकिन हाँ कोई तो बात है ज़रूर जो बात मुझे तुमसे बहुत गहराई तक कनेक्ट करके रख देती है, और इस कनेक्शन के हिसाब से ही मैं तुम्हें इतना अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि तुम कहीं ना कहीं अटके हुए हो, और एक बार तुम उन बंदिशों को पीछे छोड़कर अगर आगे आओगे तो तुम देख सकोगे तुम्हारे सामने तो बहुत ही अच्छी दुनिया तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। तुम्हारे नए विचारों के साथ वो तुम्हें हमेशा के लिए अपना कर तुम्हें अपने गले लगाएगी, और ये सच बात है अवधूत, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को ढूंढना है, और एक बार अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो देखना स्काई इज़ अ लिमिट, और तुम्हें हराना इस कैंपस के किसी भी चैम्पियन को कभी भी भारी पड़ सकता है। और ये मेरा मानना है, मेरा जितना कि मैं तुम्हें जानती हूँ तुमसे बड़ा चैम्पियन इस कैंपस में और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हें अपने आप को पहचानने की देरी है अवधूत। एक बार तुमने अपने आप को पहचान कर अपने इन सारी इनसिक्योरिटीज़ को निकाल कर बाहर फेंक दिया तो देखना तुम्हें रोकना अनस्टॉपेबल होगा। फिर ये स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या फिर हमारी रोज़मर्रा की स्टडीज़, इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को तुम हरा कर एक अपने दम पर इस दुनिया को आगे ले जा सकोगे, और मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर ऐसा कर पाओगे।